जी अगली परीक्षा वही हुई थी, वही जरा लाभ। अच्छा, तो जब से हमारे बगल में बाबा बैठे हुए हैं जो कि मंदिर के बारे में सारा बात बताएंगे। किनका? सीता माता जी। अगली परीक्षा वही हुई थी, वही जरा लाभ। अच्छा, तो जब से वो समाई है ना जी, उसी से गर्म जल निकलना शुरू हुआ। अच्छा, जिस समय अगली परीक्षा ले रहा था जी, भगवान राम जी लक्ष्मण शत्रुघ्न वाल्मीकि जी सब जिसमें परीक्षा ले रहा था, तो माता से जानकी जी बोली कि प्रभु हे स्वामी, इतना अब किसी को जितना मृतलोक में नहीं लीजिएगा जो कि आपका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब जब से मृतलोक में आए हैं तब से हम ये दुख ही दुख है, इसलिए माँ धरती को सुमरी, माँ से जानकी अपनी माँ को जैसे सुमरा, तो उसने कहा कि माँ धरती अब फट जाए, मैं अपने गोद में समा जाऊँ। तो उसी समय से धरती फट गई, सीता समाने लगी, भगवान राम हाँ सीता करने लगा, अंत में चली गई, अंदर चली गई माँ के गोद में। तो भगवान राम कहा है धरती से कि धरती तुम माता, इसको श्या जानकी को मुझे निकाल दो, मैं तो इसको अंदर धर कर दूँगा। माँ श्या जानकी अभी माँ धरती कहा कि हे प्रभु दीन दयाला, ये तो अंतिम समय था इनका, इतने तक आयु थी कि मैं अपने बेटी को अपनी गोद में हमें ले लिए। तो जब चली गई अंदर, उसी समय से गर्म जल निकलना शुरू हुआ। भगवान राम अपने धनुष बाण से उस तरफ पानी ठंडा निकाला, अच्छा तो उसी गद्दा है, लक्ष्मण ये निकाला, भरत को बड़का वहाँ निकाला, शत्रुघ्न को ठंडा पानी और गर्म पानी से कुएं से निकलता है। अब गर्म पानी तो उसमें है, कभी सुखता अभी ठंडा नहीं होता था जी। आज 10-15 बरस पहले जब से नाला खनाया गया है जी, बगल में वो पीपल का गाँव है, उस पर फील्ड है जी, उसमें धोबी घाट था जी, धोबी लोग कपड़े खींचते थे जी। इधर नदी कहीं खेत है गढ़ा था, उसमें हिलाव पानी भी रहता था, घर घर पानी रहता था, तो पानी का लेकर मिलते रहता था, इसलिए सुखता नहीं था जी। गर्म सब दिन बारह मौस गर्म ही गर्म रहता था, लेकिन जब से ही नहर बना है तो नहर का पानी तो इधर ही रहता है जी, गंगा में, और गंगा बगल में है उसका, और भी नेचर लियर हो गया, इसलिए पानी ठंडा रहता है। तो अब ठंडा हो गया पानी, ठंडा हो गया, फिर वर्षा होगी तो जैसे खास सावन में वर्षा होगा तो फिर तो नहीं गर्म जल शुरू होगा।